एक मशहूर कहावत है दोस्तों, जो इंसान अपना इतिहास नहीं जानता वो खुद एक दिन इतिहास बन जाता है। इसलिए हर किसी को अपने देश की, अपने कल्चर की, अपने कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि यूट्यूब पर हिस्ट्री वाले चैनल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। आई नो आप पूछोगे कि ऐसे चैनल्स क्या चलते भी हैं और प्रूफ क्या है। तो ये चैनल देखिए, जो कि कम्प्लीटली हिस्ट्री से रिलेटेड है और इसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ भी आते हैं। अब इसी तरह ये दूसरा चैनल, ये भी इंग्लिश में वीडियोस बनाता है और ये भी टोटली हिस्ट्री से रिलेटेड है। और इसी तरह ये तीसरा चैनल भी आप देख सकते हैं। इनमें से किसी भी चैनल्स के 1 लाख से कम सब्सक्राइबर्स नहीं है। और सोशल ब्लेड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये सारे चैनल्स हर महीने एक अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं। और आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इनकी वीडियोज, रील्स या शॉर्ट्स जरूर देखी हो। और जब मैंने ऐसे चैनल सर्च किए तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि हिंदी में ऐसे चैनल्स ना के बराबर है, बहुत ही कम है। तो अगर आप हिंदी में ऐसा चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाउ इज द बेस्ट टाइम। और फेसलेस चैनल्स की सीरीज में इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसी तरह का एक हिस्ट्री से रिलेटेड यूट्यूब चैनल कैसे बना सकते हैं, और वो भी AI को यूज करके बिना अपना फेस दिखाए। अब आपका अगला सवाल होगा कि ये वीडियोस हैं क्या और किससे रिलेटेड होती है। अगर आप एक एग्जाम्पल इस चैनल से उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वीडियो ज्यादातर किस कंट्री ने कहाँ रूल किया, कब से कब तक रूल किया, किस देश को आज़ादी कैसे मिली, वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू और ख़त्म हुई, ये सब हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसे चैनल्स में एक चीज़ की तो गारंटी है कि आपको कभी भी कंटेंट की कमी नहीं मिलेगी। हमारी हिस्ट्री इतनी ज़्यादा वास्ट और डीप है कि अगर आप सिर्फ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर ही वीडियोज़ बनाना शुरू करेंगे तो पता नहीं 500,000 कितनी वीडियोज़ आप बना सकते। आई नो, अब आप बोलेंगे कंटेंट कहाँ से मिलेगा और इन वीडियोज़ को हम बनाएंगे कैसे। तो सब कुछ बताऊंगा, करके भी दिखाऊंगा 4 इजी स्टेप्स में आगे। चलिए फिर लेट्स बिगिन। स्टेप 1 में जाने से पहले, आपने अगर पीका लैब्स और रनवे यूज किया होगा और इमेज टू वीडियोस बनाई होगी तो आपको पता होगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है, जो कि बहुत ही पिक्सेलेटेड या ब्लर होती है। तो ऐसी वीडियोस को हमारी ऑडियंस को भी देखने में मजा नहीं आता। तो आप इन वीडियोस को एक AI टूल की मदद से इनहेंस करके हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक क्लिक से। जी हाँ, और इस AI टूल का नाम है हिटपॉप। और यहाँ पर हम अपनी कोई भी लो क्वालिटी वीडियो को बना सकते हैं एक सुपर हाई क्वालिटी की वीडियो, और वो भी 4K तक की क्वालिटी में। वैसे तो इस टूल में आपको बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे वाटरमार्क रिमूवर, ऑब्जेक्ट रिमूवर, फोटो एनहांसर और भी बहुत कुछ, लेकिन अभी हम वीडियो एनहांसर वाला ऑप्शन यूज करें। तो आपको नीचे दिए लिंक से इस ऐप को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और फिर इस पर रजिस्टर कर लेना है अपने गूगल अकाउंट से। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है, जिसे भी आप इनहेंस करना चाहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एक इनहेंसर मॉडल चूज करना है, जिस भी टाइप की आपकी वीडियो है उस हिसाब से आप यहाँ पर प्रीव्यू देखकर चूज कर सकते हैं मॉडल। उसके बाद एक्सपोर्ट सेटिंग में हम 4K चूज करेंगे, बिटरेट ऑटोमेटिक ही रखेंगे और फॉर्मेट MP4 ही रख देंगे। उसके बाद प्रीव्यू में क्लिक करके आप सैंपल देख सकते हैं कि ये कैसा लगने वाला है बिफोर एंड आफ्टर। तो आप देख सकते हैं कितना गजब का डिफरेंस इस वीडियो में आ चुका है। अब इसे एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही अमेजिंग टूल है दोस्तों, जरूर ट्राई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपको चाहिए होगा कंटेंट की किसके बारे में वीडियो बनानी है। तो ये हमें मिलने वाला है ChatGPT से। अब फॉर एग्जांपल मुझे वीडियो बनानी है इंडिया में इतने सारे डिफरेंट एम्पायर्स ने रूल किया, इस चीज से रिलेटेड। तो मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट दिया कि आई वॉन्ट टू मेक अ यूट्यूब वीडियो ऑन डिफरेंट एम्पायर्स विच रूल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और यहाँ पर मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया और इसने मुझे स्क्रिप्ट बनाकर देनी शुरू कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से कॉपी करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ChatGPT ने अब ये पूरी स्क्रिप्ट हमें बना के दे दी है, डिफरेंट एम्पायर्स की हाईलाइट भी दे दी है, लेकिन हमें इस स्क्रिप्ट से रिलेटेड इमेजेस भी जनरेट करनी पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में। तो इमेजेस के लिए हमें चाहिए होंगे प्रॉम्प्ट्स, तो वो भी हम ChatGPT से ही ले लेंगे, ताकि हमें बस कॉपी पेस्ट करना पड़े नेक्स्ट स्टेप में। तो चलिए, हमने प्रॉम्प्ट भी यहाँ से ले लिया है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 पर, जो है इमेजेस। अब इमेजेस जनरेट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन, एक है फ्री ऑप्शन जो है Leonardo.AI और दूसरा है पेड ऑप्शन जो है Midjourney। अभी मैं आपको ये फ्री ऑप्शन में ही दिखा रहा हूँ Leonardo में, लेकिन फिर आप में से बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि इमेजेस कंसिस्टेंट नहीं आती, हर प्रॉम्प्ट में डिफरेंट आ जाती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक ऑलरेडी बताई है इससे पहले वाली हॉरर एनिमेटेड स्टोरी वाली वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं ऊपर आई बटन में क्लिक करके। लेकिन एक बात समझ लो कि फ्री में आपको 100% कंसिस्टेंसी नहीं मिल सकती हर इमेज में। आपको अगर 100% कंसिस्टेंसी या क्लोज टू 100% चाहिए तो आपको Midjourney का पेड प्लान लेना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वहीं से आपको ऐसी इमेजेस कंसिस्टेंट मिल पाएगी। वैसे Midjourney को यूज करने का एक और फ्री तरीका भी है, आप जिस भी चीज से रिलेटेड इमेजेस चाहते हैं
उसे आप यहाँ पर मिड जर्नी पर अगर सर्च करेंगे तो 90% ऑफ द टाइम आपको वो इमेजेस यहाँ पर मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉपीराइट फ्री इमेजेस होती है। लेकिन अगर यहाँ पर इमेजेस जनरेट करना चाहते हैं तो फिर पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री ट्रायल अब मिड जर्नी का बंद हो चुका है। चलिए तो वापस आते हैं लियोनार्डो पर। होम पेज में हम साइड बार में AI इमेज जनरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब यहाँ से जनरेट करेंगे अपनी स्टोरी के लिए इमेजेस। तो ऊपर प्रॉम्प्ट बॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम चैट GPT से फर्स्ट वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और यहाँ पर लियोनार्डो प्रॉम्प्ट बॉक्स में इसे पेस्ट कर दें। इमेज स्टाइल में हम एब्सोल्यूट रियलिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद साइड बार में एस्पेक्ट रेशियो 1:1 सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये हमें शॉर्ट्स और इंस्टा रील्स दोनों के लिए काम आ जाएगा। बस इसके बाद जनरेट पर क्लिक कर लेना है और अब हमें ये इमेजेस जनरेट करके दे देगा विद इन 10 seconds। तो ये देखिए, इसने हमें ये इमेजेस बना के दे दी है और क्या जबरदस्त इमेजेस है। अब हमें जो भी इमेज चाहिए उसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब चैट GPT से दूसरा वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और फिर से यहाँ प्रॉम्प्ट बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। हर प्रॉम्प्ट यहाँ पर एक नया प्रॉम्प्ट होने वाला है, तो पहले वाले प्रॉम्प्ट को आपको डिलीट कर देना है और जनरेट कर लेना। इस तरह आपको एक एक करके सारे सीन्स के लिए यहाँ से इमेजेस जनरेट कर लेनी। और आप चाहे तो इन इमेजेस को अपनी YouTube वीडियो के थंबनेल के लिए भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब हम चलते हैं step 3 पर, जो है पीका लैब्स, और यहाँ से हम बनाएंगे इमेज टू वीडियो। पीका लैब्स पर इससे पहले भी मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना दी है, तो अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वो भी देख सकते हैं। ये जनरेट वाले किसी भी ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है और फिर नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स में टाइप करना है /create और फिर टाइप करना है हिस्ट्री, क्योंकि अभी हम हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं। और फिर ये +1 वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको एक एक करके अपनी इमेजेस जो लियोनार्डो से बनाई है उसे यहाँ पर अपलोड कर देना है और एंटर कर देना है, और ये आपको वीडियोस जनरेट करके देता जाएगा। जब आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी तो आपका प्रॉम्प्ट वाला बॉक्स ऐसा हाईलाइटेड दिख जाए। तो आपको हर इमेज के लिए यहाँ पर एक नया प्रॉम्प्ट देना है और फिर इमेज अपलोड करते जाना है और वीडियोस यहाँ पर जनरेट होती जाएगी जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सीन्स के लिए आपको यहाँ से वीडियोस मिल जाएगी इसी तरह। चलिए तो अब हमारे पास सारी वीडियोस भी आ चुकी है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो है वॉइस ओवर। अब चैट GPT ने जो स्क्रिप्ट हमें दी थी वो इंग्लिश में है, लेकिन हम बनाएंगे वीडियो हिंदी में, तो हमें ये स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करनी है और फिर गूगल ट्रांसलेट में आ जाना है और यहाँ पर आप स्क्रिप्ट पेस्ट करके जो भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो चूज कर लीजिए और कन्वर्टेड स्क्रिप्ट पर हम बनाएंगे वॉइस ओवर। तो ये हिंदी वाली स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करेंगे और अब हम आ जाएंगे 11 लैब्स पर वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए। अब ये फ्री ट्रायल आपको 11 लैब्स में हमेशा के लिए नहीं मिलने वाला है, कभी ना कभी तो आपको अपग्रेड करना ही पड़ेगा। लेकिन पैसा खर्च भी अगर नहीं करना चाहते हो तो फिर अपना खुद का वॉइस ओवर यूज करो। अपनी रिकॉर्डिंग आप प्रोफेशनल तरीके से भी बना सकते हो। इसके ऊपर मैंने ऑडियो एडिटिंग वाली एक वीडियो पूरी डिटेल्स के साथ बनाई है, ऊपर आई बटन में क्लिक करके वो भी देख लेना और अपना खुद का वॉइस ओवर आप बना लेना। चलिए तो वॉइस ओवर भी हमें यहाँ से मिल गया है और हमने इसे डाउनलोड भी कर लिया है। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पर, इन सारी चीजों को असेंबल करने के लिए कैनवा पर। अब यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट अ डिजाइन में क्लिक करके अपनी वीडियो का साइज सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं यूट्यूब शॉर्ट्स वाला साइज सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यह इंस्टा रील्स में भी काम आ जाएगा। अब साइड बार में अपलोड्स में जाकर सबसे पहले सारी वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर देंगे और उसके बाद जो वॉइस ओवर है 11 लैब्स वाला उसे भी हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद वीडियोस को एक एक करके डिजाइन में ऐड करते जाएंगे सीन बाय सीन के हिसाब से, और पूरी वीडियोस हम ऐड कर लेने के बाद कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे यहाँ पर, और अब जो वॉइस ओवर है 11 लैब्स वाला उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब जो वीडियो की लेंथ है आप उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं अपने वॉइस ओवर के साथ मैच करने के लिए, तो ऊपर प्लेबैक में क्लिक करके आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो की, जिससे कि वो ऑडियो के साथ सिंक हो जाए, मैच हो जाए और वॉइस ओवर के साथ आपकी वीडियो बिल्कुल सेम चलती रहे। और जो पीका लैब्स का वाटरमार्क आपको दिख रहा होगा वीडियो में, उसे भी आप यहाँ पर क्रॉप करके हटा सकते हैं और वीडियो को थोड़ा इनलार्ज कर सकते हैं, जिससे कि वाटरमार्क गायब हो जाएगा। अब फाइनली कर्सर को बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाएंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे एक बढ़िया सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपनी वीडियो के थीम के हिसाब से। आपको ये कहां से मिलेगा फ्री में, इसके लिए भी आप ऊपर आई बटन वाली वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद फाइनल टच इसमें हम ऐड करेंगे एक स्लो एनिमेशन, तो ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी एक एनिमेशन स्टाइल चूज कर लेंगे जो पूरी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगा, और अब हमारी वीडियो पूरी तरह रेडी है। चाहे तो आप इस वीडियो में कैप्शंस भी ऐड कर सकते हैं ब्लिंक ऐप या कैप्शंस ऐप को यूज करके, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो में बता दिया है। इसे मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ, कमेंट करके बता देना आपको ये बनाना कैसा लगा, और कोई सवाल हो कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, लिंक नीचे मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। नाउ एंजॉय द वीडियो।
भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले कुछ प्रमुख साम्राज्य और उनकी मुख्य विशेषताएं। मौर्य साम्राज्य 321-185 ईसा पूर्व, वर्टिकल बार एम्पायर ऑफ द मौर्यंस 321-185 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में एक शक्तिशाली सम्राट था। अशोक महान बौद्ध धर्म के प्रसार, अहिंसा को बढ़ावा देने और अपने आदेशों के लिए प्रसिद्ध। हर्षवर्धन, वाकाटक, पल्लव, चालुक्य, हूण, मैत्रक, राजपूत, सेना और चौहान भी उनमें से हैं। गुप्त साम्राज्य 320-550 ईसा पूर्व, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। विज्ञान, गणित और साहित्य में प्रगति, दशमलव अंक प्रणाली एवं शून्य का विकास, दिल्ली में लौह स्तंभ के लिए प्रसिद्ध। मुगल साम्राज्य 1526-1857, बाबर द्वारा स्थापित, अकबर महान, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता के लिए जाना जाता है। ताजमहल, शाहजहां द्वारा बनवाया गया प्रतिष्ठित स्मारक, औरंगजेब की दमनकारी नीतियों और ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के कारण पतन हुआ। ब्रिटिश राज 1858-1947, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासन के बाद प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन। भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर उपनिवेशीकरण का प्रभाव। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी और अन्य ने किया। 1947 में भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन।